तो समय आ गया है फिकल को अलविदा कहने का और इलाम से बाहर निकलने का। मौसम अभी भी बहुत मस्त हो रखा है, फॉग ही फॉग है। ये प्रकाश भाई खड़े हुए हैं जिन्होंने कल हमारा बहुत साथ दिया, और वो नीचे लौंडे खड़े हुए हमारे। क्रिस क्रिस तो हमारे लौंडे लौंडे खड़े हुए हैं। They are cutting my shot every time. I'm asking you to say hi or dance or whatever. So the guys are ready and हम इनके साथ निकलेंगे अभी इंडिया। He's having a last smoke in Nepal. बाहर जाके फिर से फूकेगा ये आदमी। I'll never let you go. चले फिर निकले, जाने का टाइम आ गया, मिलेंगे फिर। प्रजापति भाई बाय बाय, बहुत अच्छा लगा मिल के आपसे। प्रकाश भाई बहुत हेल्प किया यार आपने, कल खुश हो गया, थोड़ा बड़ा है ना। रेडी टू रोल? रोल व्हाट? Roll in then leave or leave and roll? You got your new lighter? Yeah, it's better. 675 Indian. Thank you. Welcome to take care of yourself. Chal bye Manoj. तो भाई टाइम आ गया है निकलने का फिकल से, बट निकलने के पहले आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाएंगे जो कि हम कल नहीं देख पाए थे लेकिन आज हमने स्पॉट किया। दैट इज समथिंग अमेजिंग। ये देखिए एक टी पॉट बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे टी गार्डन्स है इलाम के। बिकॉज हमारे यहाँ तो नेशनल हीरोज या सेलिब्रिटीज जो होते हैं दे टेक द पोजिशन ऑन द सर्कल, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट देखने को मिला। तो आज हम फिर से चलेंगे उसी रास्ते पे जिस पे हम चले थे कल और पहुँचेंगे इंडियन बॉर्डर। भाई फॉग देखो, फॉग और लपक के ठंडी हो रखी है। उसके बाद में एक सीन और जमा हुआ है कि दो दिन में हमारे राइडिंग गियर सूखे नहीं भाई। और भाई सबसे बड़ा दुख होता है ना जब गीले मोजे पहन के जूतों में पाँव डालना पड़ता है। ओह ये फीलिंग आपको भी कभी ना कभी तो आई होगी अगर मजबूरी का हिसाब किताब है। क्या जगह है भाई ये। अगर आप नेपाल आ रहे हैं ना तो ईस्ट नेपाल बिल्कुल मत मिस कीजिए। दार्जिलिंग तक आते हैं तो थोड़ा सा ही आगे है, भंसार वरना भी काफ़ी आसान है, 10 मिनट का काम है और उसके बाद में आप निकल जाइए नेपाल। और नेपाल का दार्जिलिंग देखिए इलाम में। सूरज मामा ने थोड़ी सी कृपा की है और थोड़ी सी विजिबिलिटी हमें दे दी है। मुझे नहीं पता आपको क्या दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि बहुत फॉग है। तो तीन लौंडे हमारे साथ आ रहे हैं आज, तो फटाक से एकदम मुड़ के उनका भी एक फुटेज ले लेते हैं छोटा सा। सो क्रिस, बाला और वेंकी तीनों बहुत ही कूल चैप्स हैं टू राइड अलोंग विद। अब सिक्किम के बाद ये लोग अपने रास्ते चले जाएंगे और हम अपने रास्ते चले जाएंगे क्योंकि हमें अपना रास्ता तो अभी पता नहीं है।
और इन लोगों को पता है कि इन्हें क्या करना है, क्योंकि इन्होंने परमिट्स वर्मिट्स अप्लाई कर दिए हैं सिक्किम में कुछ घूमने के लिए। वहाँ से ये लोग निकलेंगे भूटान। वी ऑल्सो नीड टू सॉर्ट थिंग्स अप मैन, कुछ ना कुछ प्लान तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे ही बंजारों की तरह घूमेंगे, नई नई जगह जाके बैठेंगे और नई नई जगह देखेंगे। ये एक छोटा सा प्यारा सा गांव है जो कि बॉर्डर से थोड़ा ही पहले पड़ता है, तो यदि आप बॉर्डर पे पहुंच जाए और गेट बंद हो जाए, जो कि शाम को 6 बजे बंद हो जाता है इस बॉर्डर पे, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। देयर आर फ्यू लॉजेस वेयर यू कैन स्टे एंड देन लीव अर्ली मॉर्निंग टू गो टू इंडिया एंड लीव नेपाल। लीजिए हम पहुंच गए हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर। अगर आप उस तरफ से आ रहे हैं तो ये ऊपर जो है ये भंसार ऑफिस है, यहाँ से जाना पड़ता है और सामने है बॉर्डर। हम कैमरा ऑफ कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर चेकिंग हो सकती है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो हम आ चुके हैं नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया। सो भारत भूमि पे आप सबका स्वागत है। ये खड़ी हमारी मैडम और क्या नज़ारा है देखिए। और वो खड़े हमारे लौंडे सामने जो कि साथ में आए हैं यहाँ, और इनके साथ हम जाएंगे थोड़ा और आगे, फिर अपने रास्ते ढूंढेंगे और कहीं और निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं गैंगटॉक की तरफ। दार्जिलिंग में शायद ही रुकेंगे क्योंकि टी गार्डन्स इलाम में बहुत देख लिए हैं। तो थोड़ा आगे निकलते ही हमें मिल गई है ये मॉनेस्ट्री। पहले तो ठंड कुछ ज़्यादा हो रखी है, कोहरा भी है और ऊपर से कपड़े भी गीले हैं, तो कुल मिला के ज़बरदस्त लगी पड़ी है। सो भाई अब सबको लग चुकी है भूख, तो कुछ फटाफट से खाते हैं और फिर निकलते हैं आगे। तो ढूंढते हैं कोई खाने के लिए जगह, कुछ तो मिलेगा। ये देखिए हमारी सुविधाओं के लिए रोडों का सुधार किया जा रहा है। तो आगे आने वाला है एक गांव जिसका नाम है घूम, जो कि अभी यहाँ से 3 किलोमीटर है। पिछले गांवों में तो कुछ खाने के लिए मिला नहीं, होपफुली घूम में कुछ मिल जाएगा। इतनी देर से हम घूम ही तो रहे हैं। तो हम बढ़ रहे थे गैंगटॉक की ओर, लेकिन हमें मिली है एक खबर। इस खबर के बारे में डिटेल में हम आपको थोड़े टाइम बाद बताएंगे। तो हम कालिमपोंग से ले लेंगे राइट सिलीगुड़ी की ओर। अगर हमें पहले से इस बारे में पता होता, जो भी न्यूज़ हमें मिली है, तो हम नेपाल से ही सिलीगुड़ी निकल गए होते। Thank you.
एंड व्हाट यू सी देयर इज अ ब्रिज. तो पहले तो लगा छोटा सा कोई नाला होगा, लेकिन जब लेफ्ट साइड टर्न दिखाया तो एकदम रोलर कोस्टर है ये. हम वैली के एकदम नीचे तक आ गए हैं, वो सामने रिवर दिख रही है. तो नीचे जाके वी विल पार्ट वेज विद द बॉयज. ये लोग निकल जाएंगे गैंगटॉक. इधर पे कोई रेस्टोरेंट है आगे कितनी दूर में? इधर जाना है, लेकिन रेस्टोरेंट यहाँ पे कितनी दूर है? कितनी दूर? सो क्रिस, थैंक यू वेरी वेरी मच. सेम हियर, गॉड ब्लेस एवरीथिंग यू डू. Thanks man. We'll meet soon. Bala has to get down from his bike. Start talking. Thanks for everything. Catch up. Yep. Yes. It's a mandate. Cool. Bye bye. भाई क्रिस बाला और वेंकी, ये तीनों निकल रहे हैं गैंगटॉक के लिए. पहले हमारा भी प्लान वही था, लेकिन हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया. और सिलीगुड़ी में भी हमारे एक मित्र हैं जो हमें नेपाल में मिले थे, तो उनसे भी मिलना हो जाएगा. और प्लस थोड़ा काम भी है, वो निपट जाएगा. उसके बाद कंटिन्यू करेंगे जहाँ राह ले जाए उस तरफ. तो हम पहुंच गए हैं सिलीगुड़ी, और हमने अपने दोस्त को किया था फोन जो मिला था हमें नेपाल में. उसने हमें बुलाया है एक लैंडमार्क तक जिसका नाम है दार्जिलिंग मोर. तो हमने उसके लिए लगा लिया है मैप. हमारी गूगल वाली आंटी हमको रास्ता दिखाएंगी, और अब हम जा रहे हैं दार्जिलिंग मोर की तरफ. क्या मौसम हो रखा है यार. तो निगमा भाई आ चुके हैं, हम उनको फॉलो करने वाले हैं कहीं. तो लेट्स सी कहाँ जा रहे हैं. सो निगमा भाई मिले थे हमको परमिट ऑफिस पोखरा पे जब ये लोअर मस्टैंग के लिए परमिट निकालने के लिए आए थे, और हम भी वहीं पहुंचे हुए थे. अगले दिन ये लोग निकल गए थे, और उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हो पाई. और उसके बाद आज मिले हैं हम. Yes. Anything. No plans. So हमारा कोई प्लान ऐसा तो है नहीं. तो हम इनके साथ जा रहे हैं इनके घर.
फिर देखेंगे कि आगे का सीन क्या बनाते हैं हम लोग।